है न्यूज नेटवर्क टुडे, मैं जावेद अंसारी समीम सौदागर के साथ। इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा में है किसान। जी हाँ, केंद्र की सरकार ने तीन बिल लाए हैं, दो बिल एक संशोधन, मैं शायद सही हूं। अब देखना है किसान जिस तरीके से दिल्ली में चारों तरफ से पहुंच रहा है अपनी मांग को लेकर, क्या केंद्र सरकार उस मांग को पूरा करती है। यहाँ रीवा के तमाम संगठन के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम उन्हीं से जानने समझने की कोशिश करेंगे विरोध किस बात का। जब केंद्र सरकार ने सोच समझकर कानून लाया है तो निश्चित रूप से बड़े बड़े लोगों ने सोचा होगा, प्रधानमंत्री ने सोचा होगा, तो कुछ बेहतर ही सोचा होगा। आप लोगों के लिए क्या कहना है आपका? यह किसानों के खिलाफ जो काला कानून है, किसान जब तक लड़ेगा जब तक वापस नहीं लेगी, किसान सीना में गोली खाएगा और हल ही रहेगा, और किसान अंतिम दम तक लड़ाई लड़ेगा। किसान अंतिम दम तक लड़ाई लड़ेगा, यह कहना था यहाँ के प्रखर समाजवादी नेता कौशल सिंह जी का। हम तो यह कहे चाहे थे कि गमहियाई में कहावत बनी कि आगे नाज न पाछे पगहा, और जेखे नाव का रोवे गधहा, तवनी के नरेंद्र मोदी जी आही न लड़का या न मेहरिया आए, तो कहा जाने किसानन के दर्द जी। बताइए, हम तीनों काले कानून का विरोध करते हैं। अब सरकार झूठ बोल रही है, सरासर झूठ बोल रही है कि किसानों को फायदा है, कोई फायदा नहीं। सरकार ने तो ये भी कहा था कि नोटबंदी से फायदा हुआ, हुआ फायदा। सरकार ने भी कहा था कि काला धन इतना हम लाएंगे, 15 लाख रुपए मिलेंगे, किसी को मिला। सरकार ने ये भी कहा था कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, अरे नौकरियां मिलनी तो दूर, कई करोड़ नौकरियां चली गई। उसी तरह से सरकार ये भी लालीपाप दे रही है, किसान ने मांगा नहीं, किसान समर्थन मूल्य की गारंटी चाहता था, MSP की गारंटी चाहता था, ये बिल की मांग करता था, वो बिल लाए नहीं। मतलब आप मंडी खत्म करेंगे, आप बस आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी करेंगे। ये निश्चित रूप से प्रधानमंत्री ने जो भी कहा था, एक भी वादे पूरे नहीं हुए, ऐसा कहना था इनका। ये बताइए, जिस तरीके से आप लोग विरोध कर रहे हैं, क्यों? मैं इस बात के लिए विरोध करने यहाँ पहुँचा हूँ कि मैं जो है किसान पुत्र हूँ, और मैं एक आम आदमी पार्टी का जिलाध्यक्ष हूँ यहाँ से, और मेरी पार्टी जो है दिल्ली में जितने किसान गए हुए हैं उन समस्त के लिए भोजन पानी खाने पीने की व्यवस्था पूरी सरकार करने के साथ में, मैं यहाँ पर इन सभी लोगों के सड़क में आंदोलन के साथ में मरने जीने के लिए, किसान को न्याय दिलाने के लिए यहाँ पर पहुँचा था, उस बात के लिए मैं यहाँ पर उपलब्ध हूँ। ये थे आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि, जिनका कहना था कि दिल्ली में हम उनके खाने पीने का, किसानों के रहने का भी इंतजाम करेंगे, और हम पूरे प्रदेश में, या यूं कहें पूरे देश में लोगों को एकत्र करने का भी काम करेंगे। सुब्रत जी, मैं आप लोगों से बातचीत करूं, देखिए बात बड़ी गंभीर है, पूरे देश में किसान इस समय आंदोलित है। सबसे बड़ी बात है, मेरे कुछ सवाल हैं, पहले तो मैं उसकी बात कर लूं। जैसा कि इस कानून में प्रावधान है MSP को छोड़कर, बाकी सारी बातें बेहतर तरीके से इस देश की सरकार ने, जो सरकार चल रही है उसने कही है, क्या ये बताइए अगर मंडी, क्या आपको लगता है मंडी खत्म हो जाएगी? पहला सवाल तो ये है। दूसरा सवाल ये है कि इनका साफ तौर से कहना है कि मंडी हम खत्म नहीं कर रहे हैं, भंडारण आप जितना हो कर सकते हैं। एक ही मुद्दे पर आपसे बात होगी, लेकिन उसके बारे में, बिल के बारे में अगर ज़रा बातचीत हो जाए। तीसरा उनका ये कहना था कि आप अपने अनाज को कहीं भी ले जाकर बेच सकते हैं, तो मेरा केवल आपसे एक सवाल है भंडारण को लेकर। माननीय मोदी जी, किसानों को चूतिया ना समझिए, किसानों के लड़के एक एक से बड़ी पोस्टों में हैं, लड़े भी हैं और पढ़े भी हैं। आप आज हमारे जब प्रतिनिधि किसानों के जाके वहाँ बैठते हैं, तो हमारे यहाँ के नरेंद्र मोदी जी कृषि मंत्री जवाब नहीं दे पाते हमारे किसानों का। आप जो भंडारण की आपने बात की है, हमारे देश में आपको मालूम होना चाहिए, जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उस समय हमारे यहाँ लाल गेहूं पाकिस्तान से आता था, और अमेरिका ने दबाव बनाया था कि ये लाल गेहूं हम नहीं देंगे अगर आप लड़ाई नहीं छोड़ते हैं। तो हमारे यहाँ के लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि हम लोग एक दिन उपवास कर लेंगे, लेकिन और जय जवान जय किसान का नारा दिया था। आज आप सोच सकते हैं उस समय कितनी आबादी रही होगी, आज 135 करोड़ वाली जनसंख्या वाले देश में भरण पोषण करने वाला किसान, 4-4 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं, मोदी जी का दिल नहीं पसीजा। आप सोच सकते हैं प्रधानमंत्री जी ने जो बिल लाए हैं उसमें पहले ये था कि आवश्यक वस्तु अधिनियम,
उसमें तक इतने से अधिक भंडारण नहीं कर सकते, भंडारण नहीं कर सकते। तो उन्होंने क्या किया है, आप भंडारण आप अनिश्चित कर सकते हैं। आप सोच सकते हैं जब प्याज का उत्पादन होता है, जब आलू का उत्पादन होता है, 2 रुपए किलो मिलेगी और वहाँ पे वेयर हाउस बनाएंगे, कोल्ड स्टोरेज बनाएंगे और वो वहाँ पे भंडारण करेंगे। मोदी जी, क्या आप किसानों के लिए वो कोल्ड स्टोरेज नहीं बना सकते थे और किसानों के लिए ये टेक्नोलॉजी सिखाने की शिक्षा नहीं दे सकते थे, किसानों को सुविधा नहीं दे सकते थे? और किसानों की आज तक आप सोच सकते हैं कि 22 या 23 जींस हैं जिनके समर्थन मूल्य घोषित हुए हैं आज तक देश में, सब्जी और फल इनके समर्थन मूल्य तक घोषित नहीं हुए। और सबसे बड़ी चीज, मोदी ने जो बहुत बड़ा झूठ बोला है, आपके चैनल के माध्यम से मोदी जी से कहेंगे पूरे देशवासियों से आप माफी मांगो, क्योंकि आपने 2014 के लोकसभा चुनाव में कहा था किसानों को फसलों का वाजिब दाम देंगे, 50% मुनाफा देंगे। आपकी दिल्ली में सरकार बन गई और आप ये काले कानून ला के किसानों के ऊपर थोप दिया। हर कानून की भाषा किसान जानता है, किसान को आतंकवादी ना कहिए और किसान को आतंकवादी ना कहिए। वक्त के साथ देश के प्रधानमंत्री ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। वो आज के माहौल को देख लगता है, वो उनका नारा बेमानी हो गया। जैसा कि आप लगातार इसमें संघर्ष में रहे हैं और किसानों के हित की ही बात कर रहे हैं, आप लोग जगह जगह धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, 8 तारीख को आप लोग पूरे देश के बंद करने की भी बात कर रहे हैं। सवाल ये है, MSP सरकार कह रही है MSP के बारे में कोई बातचीत ही नहीं है, MSP लागू रहेगी, क्या कहेंगे आप? देखिए, जो देश का प्रधानमंत्री अभी तक किसानों के आंदोलन को लेकर एक जवाब तक न दिया हो, उसका कैसे विश्वास किया जाएगा कि वो MSP के बारे में सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि आज पूरा देश आंदोलित है और भारत का प्रधानमंत्री, आज मैं बयान सुन रहा था कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है कि किसानों के आंदोलन को सुप्रीम कोर्ट के आदेश से रोकवाने का काम किया जाए। ये बड़े शर्म की बात है और हम इसकी घोर निंदा करते हैं और ये चेतावनी भी देते हैं कि जो आज देश का किसान, चाहे पूरे देश का, चाहे वो दिल्ली में बैठा किसान, पंजाब में, हरियाणा में, जो भी दिल्ली के आंदोलन में बैठा है, जो यहाँ बैठा है, सबके घरों से अधिक लोग सेना में भर्ती हैं, सेना के जवान हैं, और मोदी जी को ये चेतावनी देते हैं कि आज किसान आंदोलन को रोकने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट गए हैं। किसान का बेटा जो सेना में जवान है और किसान, आपको जब वो चाह लेगा तो आपको संसद भी खाली करना पड़ेगा, और नहीं तो आप उनकी मांगों को पूरा करो। संसद भी खाली करनी पड़ेगी, जवान और किसान अगर इकट्ठा हो गया तो, ये बड़ी गंभीर बात है। ये बताइए, जिस तरीके से ये माहौल चल रहा है, उस माहौल में क्या लगता है आपको कि केंद्र सरकार ने सही किया कि बिल्कुल गलत किया? नहीं, जो केंद्र सरकार ने जिस तरह से किसानों का ये नया 3 बिल काला कानून लाया है, ये निश्चित बात है जिस तरह से MSP को लेकर के पूरे देश के अंदर गंभीर मामला है, जंग छिड़ी हुई है, और सरकार ये कह रही है कि MSP कायम रहेगी। अरे जब तुम कह रहे हो तो तुम्हें लिख करके देने में क्या दिक्कत है? तुम्हें लिख करके देने में 2 लाइन उस बिल पर लिखो ना। यदि ये कह रहे हो कि MSP खत्म नहीं होगी, तो जब तुम मुंह से बोल सकते हो तो तुम्हें लिखित में देना चाहिए, उस बिल पर पास करना चाहिए। मोदी ने जिस तरह से 5 साल या 7 साल झूठ, पूरे देश को झूठा बोल बोल करके, कभी तो उन पर भरोसा उठ चुका है इस केंद्र सरकार। निश्चित रूप से अगर MSP लिख के दे दिया जाए तो ये तमाम जो इस समय दिल्ली के चारों तरफ का जो माहौल है, पूरे देश का माहौल है, वो 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। खैर, केंद्र सरकार ने सोचा है तो कुछ बेहतर ही सोचा होगा, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ये बताइए, क्या कहेंगे आप? मेरा कहना है कि भारत किसानों का देश है और 70% इस देश में किसान है, और मोदी जी के बातों में तो विश्वास करने लायक नहीं है। जिन जिन ने वादा किया, जिन जिन मुद्दों पे, वो मुद्दे कोई लागू नहीं किए। मोदी जी ने कहा था हम 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, नौकरी नहीं दिए। हम कहते 3 बिल अगर इनने पास किया तो उसके साथ MSP तो पास करना चाहिए था, लेकिन MSP का ही झगड़ा है। कुल मिला के मुझे ये लग रहा है कि MSP का ही झगड़ा है। बताइए जी, निश्चित उसको रख दीजिए, पहले उसको रख दीजिए। जिस प्रकार मन ने फैसले लिए हैं, शायद जनता के हित में एक भी खरे नहीं उतरे हैं।
जिस प्रकार किसान का आंदोलन पूरे देश में चल रहा है, ये हमें लगता है कि मोदी सरकार के जिस प्रकार सरकार चल रही है उसके ताबूत का आखिरी कील होगा, ताबूत का आखिरी कील इसके बाद सरकार को बेदखल कर देगी जनता। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि 70% जो है हमारे किसान उनसे बिल्कुल पूरी तरह से नाराज हैं। वो सत्ता में आने के पहले कह रहे थे MSP लाओ, कांग्रेस सरकार के ऊपर मनमोहन सिंह के ऊपर दबाव डालते थे कि आप MSP लाओ, और जब वो आ गए हैं तो MSP से पीछे भाग रहे हैं निश्चित रूप से। और अब बताइए आपका क्या कहना। दुगनी करती रही, ये दुगनी करने की बजाय में आधी तो अभी हो गई है, और आगे चल के जो भी बिल ला रहे हैं तो किसान पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। इसलिए हम लोग जो है तो इस बिल का पूरी तरह से विरोध करते हैं, बिल का पूरी तरीके से विरोध करते हैं। कुंवर बहादुर सिंह भी मौजूद हैं, हमारे ख्याल से ये हमारे अंतिम वक्ता हो सकते हैं। मैं अभी आपको बताऊं, केंद्र सरकार ने 3 बिल लाए हैं। पहला बिल जो था, जिसे तमाम लोगों ने बताया, उसमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं, MSP को लेकर ही विवाद है, भंडारण को लेकर विवाद है। एक मैं आपको बताऊं, भंडारण की अगर बात की जाए तो भंडारण 1955, मैं आज से आपको थोड़ा अतीत में ले चल सकता हूँ, आपकी तरफ से कुछ बातें जो मैंने पढ़ी हैं, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, आप उसको सुधारिएगा। 1955 से लागू था। इन्होंने इस नए बिल में एक प्रावधान जोड़ा है, वो प्रावधान ये है, युद्ध और आपदा दो कालों को छोड़कर बड़ा आदमी, बड़ा व्यापारी संग्रहण कर सकता है। सवाल ये भी है, जो मेरी कई लोगों से बात हुई उनका साफ तौर से कहना था, किसान तो वैसे भी मंडी में बहुत कम जाता था, ये शांता कुमार जो हिमाचल के मुख्यमंत्री भी हुआ करते थे, 1915 की उनकी एक रिपोर्ट भी है जिसमें साफ तौर से कहना था केवल 9% लोग ही इसका भंडारण का इस्तेमाल करते हैं, MSP पर सरकार को गेहूं बेचते हैं या और भी सामान बेचते हैं। सवाल ये नहीं, सवाल ये है कि आपदा के समय, अगर आपदा जैसे इस समय कोरोना काल चल रहा, आज की अगर बात की जाए तो कोरोना काल चल रहा, एक बड़ा व्यापारी प्याज अगर 1000 बोरा रखे हो तो इस समय उसको रखने में रोका जा सकता है, लेकिन सोचिए आप, व्यापारी जो होता है वो अपने यहाँ कितना भी भंडारण कर सकता है, किसान अपने यहाँ, उसको पहले भी छूट थी, वो अपने यहाँ एक लिमिटेड ही रख सकता है। उस स्थिति में क्या होगा जब एक यहाँ पर का जो भी अधिकारी जाएगा कि आपने यहाँ पर कितना भंडारण किया, वो कहेगा हमारे पास 1000 बोरी है, तुम जाओ अपना काम करो, उस स्थिति में कालाबाजारी ही बढ़ेगी, शायद इस तरीके का कुछ विरोध है। दूसरा अगर बात की जाए MSP को लेकर, MSP को लेकर एक बड़ा सवाल ये है कि एक लाइन में अगर लिख दिया जाए कि भाई इस रेट से कम पर आप नहीं खरीद सकते, बात ही ख़त्म हो जाएगी, सारा विवाद ही ख़त्म हो जाएगा, जहाँ तक मुझको ऐसा लगता है। कुंवर बहादुर सिंह जी, ये बताइए, अगर ये सारी बातें जिस तरीके से ये आप लोग के समय भी चलती थी, जैसे कि आप कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये उस समय से भी चली आ रही थी, हालांकि मांग थी आप लोगों ने पूरी नहीं की थी, इस पूरे मामले को आप किस नज़रिए से देखते हैं? भैया जावेद भैया, आपने 3 सवाल किए हैं। पहला तो भंडारण का मैं बता दूं, मध्य प्रदेश के रीवा ज़िले में हम लोग, मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने अकेले 3,00,000 करोड़ टन का जो भंडारण का ठेका है वो अडानी के सेलों को दे दिया है। यदि आप किसान के भंडारण की चिंता करते तो मध्य प्रदेश बेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन है जो एक विभाग है और भंडारण का काम करता है, आपने उसको बंद करने के लिए, आप प्राइवेट को बढ़ाएंगे तो सरकारी बंद होगा और बाद में आप कहेंगे कि हमारा ये उपक्रम घाटे में चल रहा है इसलिए हम इसको बेच रहे हैं, तो इन्होंने अडानी के सेलों को दे दिया। दूसरा, आपने MSP पर कहा, मेरा एक सीधा सा सवाल है, यदि आप कहते हैं और आप देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कहते हैं वो बिल्कुल नहीं करते हैं और जो नहीं कहते वो जरूर करते हैं, यदि आप MSP पर गरज रहे हैं, आप असली माँ के बेटे हैं किसान, भारत माँ के, तो MSP लिख दीजिए कानून में कि हम भारत के अंदर किसी भी मंडी में, किसी भी बाजार में न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू होगा। तीसरा, आपने कहा कि 1000 बोरी इकट्ठा कर लेंगे, कोरोना काल था, ऐसी क्या मजबूरी थी जो आपने किसान संगठन संसद में बुद्धिजीवियों से किसी से राय नहीं ली और 3 अध्यादेश लेकर आए। आपने कह दिया कि भंडारण आप कर सकते हो, अत्यंत आवश्यक वस्तु अधिनियम को आपने संशोधित नहीं किया,
आपने पूरी तरह से उस कानून को खत्म कर दिया और नतीजा यह है कि आज दाल इकट्ठा होगी, प्याज इकट्ठा होगा, आलू इकट्ठा होगी। आज देखिए किसान का आलू 5 रुपया बिकता है और बाजार में 50 रुपया बिकता है, टमाटर का 2 रुपया बिकता है और 40 रुपया बिकता है। ये तीनों मामले और चौथा जो आपने कहा कि छोटा सा किसान, मैं 2 एकड़ का किसान हूं, मैं चेन्नई बेचने जाऊंगा गेहूं, मैं पंजाब बेचने जाऊंगा, यह जो कानून है इसका आधा हिस्सा बिहार के नीतीश कुमार ने 2006 में लागू किया था। आज धान का मूल्य 1900 रुपया है, लेकिन बिहार में पिछले 10 साल से जो धान है वो 1100 रुपए से ज्यादा नहीं बिकती है। नमूना हमने देख लिया, एक आलू के कॉन्ट्रैक्टर ने पंजाब में किया था, उसको 10 करोड़, भारत की सुप्रीम कोर्ट ने किसान को हर्जाना दिया था। आप बधुआ मजदूर बनाना चाहते हैं। और एक चीज और कह दें, लेनिन ने रूस में ये कानून लागू किया था, फिर किसानों को कैंपों में ले जाना पड़ा था और आधे से ज्यादा किसान उन कैंपों में मर गए, उनकी पुश्तें बधुआ मजदूर हो गई। निश्चित आने वाला समय भारत के किसानों को गुलाम बनाने का है। ये नरेंद्र मोदी नहीं, दूसरी ईस्ट इंडिया कंपनी का मालिक है। जिस तरीके से यहाँ पर तेवर इनके दिख रहे हैं, ऐसा लगता है ये मामला अभी ठंडा होने वाला नहीं है। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अपने मेजबान जीशान जावेद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।